गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही एक खास टॉपिक लेके आए हैं जो लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, एसएससी में, राजस्थान पुलिस में, रेलवे में और भी बहुत सी वैकेंसी हैं जिन सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। और बहुत ही आसान एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जिससे आपको क्या है कि दो नंबर आसानी से मिल सकते हैं, केवल थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज हम प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब के अंदर एग्जाम में लगभग दो प्रकार के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। लगभग इन्हीं दो प्रतिबिंबों से ज्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर सबसे पहले अल्फाबेट एबीसीडी अल्फाबेट के आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के सभी दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं उन सभी को देख लेते हैं। एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर अल्फाबेट के अंदर कैपिटल और स्मॉल दोनों के अंदर एबीसीडी अंकित की हुई है और एक तरफ अंक अंकित किए हुए हैं। इनको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देंगे। दर्पण में देखने पर क्या होता है, जो वस्तु दर्पण के जितनी नजदीक होगी उसका प्रतिबिंब उसके पहले बनेगा और जो दर्पण से जितनी दूर होगी उसका प्रतिबिंब दूर बनेगा। ये एक याद रखने की बात है। तो हम देखते हैं अल्फाबेट के अंदर ए, ए के दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या होगा, एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा। अगर हम दर्पण प्रतिबिंब को मूल प्रतिबिंब के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, एकदम यथावत सेम टू सेम क्या बन जाएगा, मूल प्रतिबिंब बन जाएगा, मूल अक्षर बन जाएगा। प्रतिबिंब से क्या होगा, अगर हम उसको उसके मूल अंक के ऊपर अगर रखेंगे तो क्या होगा, एकदम सेम टू सेम बनेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात यह है कि अल्फाबेट के अंदर कुछ मूल होते हैं, जो अक्षर हैं, जो सेम टू सेम रहते हैं, उनको आपको देखना ही नहीं है कि प्रतिबिंब में किस प्रकार से दिखाई देंगे। जैसे मान लो ए है, ए को कभी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी कि दर्पण में कैसा दिखाई देगा, जैसा मूल है वैसा का वैसा दर्पण में दिखाई देगा। एच सेम टू सेम दिखाई देगा, आई सेम टू सेम दिखाई देगा, एम जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। वाई का एक चीज ध्यान रखने की बात यह है, जो इस प्रकार का वाई है वो ही यथावत दिखाई देगा, अगर आपको इस प्रकार से वाई लिखा हुआ पाया गया तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो नॉर्मल वाई नीचे डायरेक्ट लंबी और ओ भी क्या है, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। ये सभी क्या है, कैपिटल एबीसीडी के अल्फाबेट है जो यथावत ही दिखाई देगी। उसी प्रकार से क्या है, स्मॉल अक्षर और स्मॉल एबीसीडी होता ही है, उसके अंदर भी कुछ अक्षर है जो सेम टू सेम ही रहेंगे, जैसे आई एल ओ और कौन सा अक्षर है, वी डब्ल्यू एक्स। यहां पे देखिए वाई की संरचना क्या हो गई, दर्पण प्रतिबिंब में चेंज हो गई, सॉरी जेड, जेड का प्रतिबिंब क्या होगा, चेंज होगा। और इसी प्रकार से क्या है, अंक है उनका प्रतिबिंब बनेगा और अंकों के अंदर कौन से कॉमन है, अगर जीरो दिखाई दे तो यथावत रहेगा और आठ नंबर अगर आपको दिखाई दे तो सेम टू सेम दिखाई देगा। इन सभी अक्षरों को क्या आप दिमाग में सेट कर लो कि अगर ये होंगे तो डायरेक्ट दर्पण प्रतिबिंब में जो है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्या आपको आसानी होगी समझने में। ये क्या है, फेंट। अगर हम इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब इसके साइड में रखा जाता है और जल प्रतिबिंब बनाते हैं तो जल का प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, साइड में रखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, टी
जो दर्पण के पास में होगा वो सबसे पहले आएगा। एन ए और एफ, तो ये क्या हुआ, एकदम दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अब इसको आप इसके ऊपर रखोगे तो सेम टू सेम यही दिखाई देगा। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर होप दिया हुआ है। होप का आंसर क्या पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, जो पास में दर्पण के वो पास में रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। तो सबसे पहले ई, ई के बाद पी, इसके बाद ओ और एच, ये क्या होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ओ और एच इनका क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब यथावत ही रहेगा। जैसे हमें मूल दिखाई देंगे वैसे के वैसे ही दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देंगे। तो इन दो अक्षरों को तो आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी एबीसीडी का हमने देख लिया, अब देखिए छोटी एबीसीडी में अगर प्रश्न पूछे तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सेम चीज वही रहेगी कि दर्पण प्रतिबिंब के जो पास में होगा वो अक्षर सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में वो सबसे अंत में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिस्टम, सिस्टम का सबसे पहले क्या आएगा, एम, एम का दर्पण प्रतिबिंब में अगर देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, इसका विपरीत। ई, पी, एस, वाई, एस, तो ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंक दिए हुए 3, 2, 9, 2, 7, अगर इनको हम दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देंगे, वही चीज सेम, जो दर्पण के पास में होगा वो सबसे पहले, जो अंत में है वो सबसे अंत में। तो 7 का उल्टा क्या होगा, दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से 2, 9, 2, 3, तो ये इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो एकदम सेम टू सेम यही दिखाई देगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसके अंदर क्या है, एक आकृति वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कोई आकृति दी हुई होती है और उसके आधार पर आंसर पूछते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसका कोई पूछ ले कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा तो क्या होगा, हमें कुछ नहीं देखना, हमें वही चीज देखनी है जो दर्पण के पास में होगा वो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पास में ही बनेगा और जो जितना दूर है वो उसके उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आकृति दे रखी है, एल वाली आकृति दे रखी है। तो एल त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई दर्पण प्रतिबिंब में आकृति चेंज है नहीं होती, तो सेम टू सेम। उसके बाद क्या है, स्टार दे रखा है ये, तो ये होगा। तो सेम टू सेम केवल ये देखना है जो दर्पण के पास में होगा उसका प्रतिबिंब पास में बनेगा और जिसका आकृति दूर दे रखी है उसकी आकृति बाद में बनेगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें क्या है, हमें एक आकृति दे रखी है और उस आकृति का क्या पूछ रखा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वही चीज याद रखनी है, दर्पण के पास में होगा उसका चित्र सबसे पहले दिखाई देगा और जो दूर है वो दूर दिखाई देगा। कैसे पता करें पास में क्या है दूर क्या है, देखिए ये इस लाइन का ये किनारा है वो सबसे पहले बनेगा। सेम टू सेम बन गई, अब ऊपर वाली देखते हैं। क्या है, तिरछी लाइनें हैं, तो इसमें भी क्या आएंगी, तिरछी लाइनें आएंगी।
ये क्या होगा, सेम टू सेम इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। आपको तो कुछ नहीं देखना, केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो दर्पण के पास होगा उसका पहले बनेगा, जो दूर होगा वो दूर बनेगा। तो देखिए सबसे पास में ये लाइन है तो ये बना दी, ये दूर तो ये बना दी। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो इसके अंदर ये चंद्रबिंदु दे रखे हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। सबसे पहले जो पास में है वो बनेगा, जैसा है वैसे का वैसा ही बनेगा। उसके बाद ये बनेगी डायरेक्शन, उसके बाद ये बनेगी, उसके बाद ये बनेगी। तो ये क्या है, केवल उनको देखना है और यथावत इसके अपोजिट बना देनी है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। आकृतियों के हमने सभी लगभग प्रश्न कर लिए, आपको समझ में आ गई होगी। तो अब एक एग्जाम के अंदर मोस्ट क्वेश्चन के अंदर माना जाता है ये घड़ी का। इसके अंदर क्या है, घड़ी का हमें कोई टाइम दिया हुआ होता है और उससे पूछ लेते हैं कि अगर दर्पण में देखेंगे तो कितने बजे दिखाई देगा। एक कुछ भी मान लो, जैसे इसमें पूछ एक क्वेश्चन देखिए आप, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन देखिए आप कि एक घड़ी के अंदर 11:10 का समय, जैसे ये घड़ी है 11:10 का समय है, तो इसमें क्या होगी, जो घंटे की सुई है वो 11 और मिनट की सुई है वो 10 पर। तो ये क्या है, 11:10 है। तो इसके अंदर आपको पूछ ले कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर देखे तो क्या दिखाई देगा समय। तो देखिए आप क्या करते हो, इस प्रकार से घड़ी बनाते हो, ये क्या है, आपने घड़ी बना ली और इसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो 11:10 हो रखी है, तो दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा हमें, ग्यारह, जो पास में है वो पास में बनेगा और जो दूर है वो दूर बनेगा। तो आप दर्पण में देखो तो क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस प्रकार से दिखेगी कि घंटे की सुई आपको यहाँ 12 और 1 के मध्य के बीच में और ये 2 मिनट की सुई है वो 10 के ऊपर होगी। तो आप इसको देख के बनाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 12:50। इस प्रकार से अगर आप आंसर निकालते हो तो आपको क्या है कि ज्यादा समय लगता है, निकाल तो लोगे, आंसर तो यही आएगा। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है वो देखिए, इसके अंदर एक आपको मैं ट्रिक बताता हूं जिससे क्या है कि आपको ये क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर लोगे। देखो अगर आपको क्या है, अगर आपको वास्तविक समय क्वेश्चन के अंदर 1 से 11 के बीच में क्या है, 1 से 11 के बीच में अगर टाइम दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, 11:60 में से जो आपको वास्तविक समय प्रश्न में दिया हो उसको घटा देना है। और दूसरी चीज, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में अगर आपको टाइम दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना, 23:60 में से जो वास्तविक समय आपको दिया है उसको घटा दो। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, 11:10। तो कौन सी ट्रिक फॉलो करेंगे, 11 से 1 के बीच के अंदर जो टाइम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 23:60 में से 11:10 घटा देंगे। तो क्या आएगा, 0, 6 में से 1 गया,
पांच और 23 में तीन में से एक गया, दो दो में से एक गया एक, तो क्या आया 12:50। आपको कुछ नहीं करना, केवल जो मान हमें दे रखा है उसको क्या करना है, स्ट्रिक के अंदर फॉलो करना है। एक से 11 के बीच में हो तो 11 60 में से घटा देंगे, और 11 से एक के बीच में अगर टाइम दिया गया हो तो 23 60 में से घटा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको घड़ी के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर 5:30 दे रखे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 से 11 वाला फॉलो करेंगे। 1 से 11 वाला क्या था, 11 60 में से 5 30 घटाएंगे, 11 60 में से 5 30 घटाया तो कितने अंश क्या आया, 0 से 0, 6 में से 3 गए 3, 11 में से 5 गए कितने आते हैं, 11 में से 5 गए तो 6, तो ये आपका सही आंसर हो गया, 6:30। तो आज हमने क्या किया है, दर्पण प्रतिबिंब के सभी प्रश्न हल कर लिए। इससे क्या आपको दर्पण प्रतिबिंब में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। अब हम जल प्रतिबिंब अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।